अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। आपका मुबशर नकवी आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया है। एज यू नो, इससे पहले आप दोस्त जानते हैं कि हम कुछ प्रोग्राम कर चुके हैं कि सेलमैन इज द सक्सेसर ऑफ द वर्ल्ड, सेलमैन दुनिया का कामयाब तरीन शख्स है। आज हम इसी सिलसिले में एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा आज कि आप लोग अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक बेहतरीन जरिया जो है वो सेलमैनशिप है। अब सेलमैन को हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट शोबों में, डिफरेंट जरिए से हमें किसी भी सेलमैन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक सेलमैन को अगर हम कैटेगराइज करें कि कितने किस्म का सेलमैन होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आप प्लीज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलमैन, आप कोई भी सेलमैन बन जाए आप तरक्की हासिल करेंगे। आप किसी भी फील्ड में किसी भी टाइप ऑफ सेलमैन को एडॉप्ट कर लें तो आप कामयाब होंगे। इसमें हम आपको चार किस्में सेलमैन की बताएंगे, उसमें से जिसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे, जिसको भी आप अडॉप्ट करेंगे वो आपके लिए अच्छी होगी। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहला जो सेलमैनशिप है ना, वो है केयर टेकर सेलमैन। केयर टेकर सेलमैन जो होता है, ये हम एक सबसे आसान सेलमैनशिप है जिसमें हम देखते हैं कि कोई, आप लोगों ने भी देखा है कि एक सेलमैन आता है मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर, वो आके ऑर्डर लेता है, सर क्या ऑर्डर है, वो उसको ऑर्डर लिखवाता जाता है दुकानदार और वो ऑर्डर लिख लेता है। इस किस्म के सेलमैन को हम कहते हैं केयर टेकर सेलमैन। सादा अल्फाज में कहूं तो वो ऑर्डर टेकर सेलमैन होता है। दूसरा सेलमैन जिसको हम कहते हैं कामयाब सेलमैन है, वो सेलमैन है प्रोफेशनल सेलमैन। प्रोफेशनल सेलमैन किसको कहते हैं? प्रोफेशनल सेलमैन जो होता है वो, उसका ये काम होता है, वो क्या करता है, उसका काम है किसी भी चीज को, सर्विसेज को या किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराता है। वो लोगों की नीड देखता है कि लोगों की जरूरत क्या है, वो देखता है कि लोगों की जिम्मेदारी क्या है और वो जिम्मेदारियां, जरूरियात और ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए हर किस्म का इंसेंटिव देने के लिए राजी होता है। ये दूसरी टाइप ऑफ सेलमैन है, प्रोफेशनल सेलमैन। प्रोफेशनल सेलमैन आप लोगों ने देखा है कि ये फार्मासिस्ट जो होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, ये प्रोफेशनल सेलमैन होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखें तो हमारा क्लोजर सेलमैन आता है। क्लोजर सेलमैन किसको कहते हैं? ये जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सेलमैन होते हैं जी। इनका काम क्या होता है? इनकी डिक्शनरी में नो का लफ्ज बिल्कुल नहीं है। आप ये सोच दें कि अगर कोई इनको कोई भी काम कह दे, इनको कोई भी काम कह लें, इनकी डिक्शनरी में आंसर के जवाब में नो नहीं है, ये नो नहीं कहते। इनका ये मकसद होता है कि क्लाइंट, कस्टमर, कंज्यूमर, उसको हर सूरत में By any means, मेरा मतलब है by any means का मतलब by hook or by crook, if I am not wrong। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दो नंबरी से भी करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि by any means वो सेल करते हैं। उनका ये मकसद होता है कि हमारी प्रोडक्ट सेल हो, उसके लिए अगर उनको इंसेंटिव भी देना पड़े तो वो इंसेंटिव देते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम आ जाए, ये पहला था हमारे पास केयर टेकर, नंबर वन था केयर टेकर सेलमैन, नंबर टू क्या था, आवाज दे ऊंची, नंबर टू क्या था, पहला था केयर टेकर सेलमैन, दूसरा क्या था ऊंची आवाज से बताएं, केयर टेकर सेलमैन के बाद प्रोफेशनल सेलमैन जो किसी भी शख्स की जरूरत, ख्वाहिश और जिम्मेदारियां पूरी नोट करके उस हिसाब से उसको चीज सेल करता है। तीसरे नंबर पर क्या है, क्लोजर सेलमैन जो चाहता है कि किसी भी सूरत में बाय एनी मीन्स हमारा क्लाइंट चीज, प्रोडक्ट को खरीदे,
उसके लिए उसको इंसेंटिव भी देना पड़े तो वो देता है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी एडवांस सेलमैन, जिसको हम एज अ कंसल्टेंट बोलते हैं, कंसल्टेंट सेलमैन। कंसल्टेंट सेलमैन क्या करते हैं? कंसल्टेंट सेलमैन को हम अगर कहें तो ये आज की दुनिया में जदीद तरीन सेलमैन है। जदीद तरीन सेलमैन को हम कहेंगे कंसल्टेंट सेलमैन। ये किसी भी क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, किसी भी क्लाइंट के साथ लंबा चलने के लिए उसके साथ ताल्लुक बनाते हैं। अगर इनको क्लाइंट कोई अपना कोई जरूरी काम बता दे कि ये मेरा काम है, घर का काम है या कोई और काम है, तो इनकी कोशिश होती है कि उस क्लाइंट का वो काम भी करवा दिया जाए, चाहे वो इनकी रिलेटेड ना हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, क्लाइंट के साथ लंबा चलने के लिए प्लानिंग करते हैं। ये चार टाइप्स हैं जी। आप इन चार टाइप्स में, आज का लेसन हमारा जो था, आज का लेक्चर जो था, वो इसलिए था कि सेलमैन इज द सक्सेसर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप लोगों को बताना मकसद है कि सेलमैन की चार टाइप्स हैं। आप इसमें से किसी भी फील्ड में चले जाएं, होलसेल फील्ड है, रिटेलर है, कुछ भी है, उसमें ये चार किस्म के सेलमैन हमें मिलेंगे। बाय देयर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज के लिहाज से ये चार किस्म के सेलमैन होंगे हमारे पास। आप इनमें से किसी को भी अडॉप्ट कर लें तो जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आप अर्निंग कर सकते हैं। ये सबसे आसान काम है। सेलमैनशिप इज द इजिएस्ट वे टू अर्न मनी। ओके गाइज, आप लोगों के लिए आज ये तदरीसी प्रोग्राम हमने सेट किया था कि अर्निंग के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सेलमैन सेलशिप हैं। आप किसी को भी अडॉप्ट कर लें। अगली वीडियो तक, जिसमें हम सेलमैन को और बताएंगे कि सेलमैन की और कितनी अकसाम हैं, इसकी जरूरियात लाइबिलिटीज क्या हैं और उसकी खसूसियात क्या हैं। अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए, और इजाजत देने से पहले, खत्म करने से पहले, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।